हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मौला अली और एक फ़कीर का वाकया, मौला अली अलैहिस्सलाम और एक फ़कीर का वाकया बाय सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी सर। बहुत अच्छे मौलाना है ये, सभी लोगों को पता ही है। अपन ने पहले भी इनके बहुत सारे वीडियोज़ पर रिएक्शन करा हुआ है, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने इनके देखे हुए। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं ये। मतलब माई फेवरेट मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी सर। इन्होंने एक बार मेरी वीडियो भी शेयर करी थी फेसबुक के ऊपर में, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, मौला अली और एक फ़कीर का वाक्या, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिदुल हराम में बैठे हुए थे, तो ज़ाहिर रात का वक्त था, बहुत अंधेरा था। तो इमाम को काबे की दीवार के किनारे में किसी इंसान के आह बुका की आवाज़ है। बुलंद बुलंद आवाज़ में कह रहा था कि परवरदिगारा मैं तेरा मेहमान हूँ और मेहमान का मेज़बान पर कुछ हक होता है, तो लिहाजा मैं तुमसे मांगने आया हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटा। और दुआ कर रहा था कि परवरदिगारा मुझे 4,000 दीनार थे। मौला ने कहा हसन इसको जरा लेकर आ। मौला हसन आगे बढ़े, उसको कहा कि अमीरुल मोमिनीन तुझे बुला रहे हैं। उठा आया मस्जिद में, तो मौला ने कहा कि ये तो बता तुम क्यों 4,000 की दुआ कर रहे थे। तो इसने कहा कि जो है मैं मनंत, आप हैं कौन जो मैं आपको बताऊं। तो इमाम ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब। तो मौला के कदमों को चूमने लगा, कहा मैं आपकी ही तो तलाश में था। तो इमाम ने कहा ये बता तुमने एक मुअय्यन, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ भी कुछ फ़कीर हैं जो है कोई अल्लाह के नाम पर 500 रुपये देने वाला। मैंने सुना था किसी फ़कीरों को जो मुतय्यन आदत की फ़कीरी करते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि 500 ही क्यों। तो इमाम ने इससे पूछा कि तुमने 4,000 दीनार की तलब क्यों की। हाँ। तो इसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि मैंने अल्लाह से दुआ की 1,000 दीनार का मेरे ऊपर कर्जा है, तो मैं 1,000 से अपना कर्जा उतार। इमाम ने कहा फिर 3,000 का क्या करोगे। इसने कहा मौला शादी करनी है, 1,000 का अपनी बीवी को महर दूंगा, हक महर दूंगा। अच्छा फिर 2,000 और का क्या करोगे। का मौला अब शादी करूंगा, घर तो चाहिए, 1,000 दीनार से कहीं पे घर का बंदोबस्त करूंगा। अच्छा फिर बाकी 1,000 दीनार का क्या करोगे। तो वो कहता है अमीरुल मोमिनीन, जो 1,000 दीनार ज़ाहिर है अब घर चलाना तो है, उस घर को चलाऊंगा कैसे, लिहाजा से 1,000 दीनार से कारोबार करूंगा। तो इमाम ने फरमाया तुमने बड़ा इंसाफ किया, तुमने बड़ी मुनसिफाना दुआ मांगी। तो इमाम फरमाते हैं कि जो है तुम मदीने आ जा और मैं तुम्हें 4,000 दीनार देता हूँ। तो जैसे मौला मदीने गए, तो ये शख्स मदीने या गालिबन ये मदीने का रहने वाला नहीं था, इसे पता नहीं था मौला अली का घर कहाँ है। जैसे मदीने पहुँचा तो उसने देखा एक गली में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे वहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ खड़े हुए हैं। तो इसने कहा कि बच्चों को कहा कि तुम में से किसी को पता है कि अली का घर कहाँ है। तो एक बच्चे ने कहा मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो ये रास्ते बच्चे से पूछता रहा कि बच्चे आप कौन हो। तो इस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम हुसैन है। कहा कि बाबा का नाम क्या है। इसने कहा बाबा का नाम अली है। कहा किसके बेटे हो। इसने कहा फातिमा ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह। कहा कि नाना कौन थे। इसने कहा जद्दी रसूलुल्लाह। तो इस शख्स ने कहा जमात दुनिया व माफिया, तुम्हारे पास तो दुनिया भी आखिरत भी है बच्चे, तुम कितने खुश नसीब हो, बाबा अली जैसे, माँ सैयदा जैसी, नाना रसूल जैसे, भाई हसन जैसे। तो ये घर गया बच्चा, कहा कि बाबा एक शख्स आया है, वो कह रहा है कि मैं मेहमान हूँ आपका और जिनको आपने 4,000 दीनार का वादा दिया था वो है। तो मौला कहते जल्दी लेकर आओ, मेरा मेहमान है। और मौला इसको घर में ले आते हैं। सैयदा वो कहते हैं घर में कुछ है। मैम सैयदा फरमाती अली हम बच्चों के लिए भी बड़ी सख्ती से, यानी घर में इतना कुछ नहीं था मौला अली के घर। तो मौला फौरन जनाब सलमान को कहते हैं जल्दी जा वो बाग, वो नखलिस्तान जो रसूल खुदा ने मुझे हदिया किया था उसको बेच गया। सलमान फौरन जाते हैं और जल्दी से, फकीर भी ऐसा था, और जल्दी से वो मौला का बाग, अब ये घर बैठा ही था किसी ने 24,000 दीनार में बाग खरीद लिया। सलमान दौड़े दौड़े आते हैं, मौला इसको 4,000 दीनार भी देते हैं और प्लस में इसको 40 दीनार भी देते हैं। तो कहते हैं मौला 4,000 दे दिए, अब 40 दीनार किस लिए। इमाम फरमाया घर में कुछ इतना नहीं था मैं तुमको खिला पिला सकता, ये 40 दीनार हैं, इससे जाकर अपने लिए जो खरीदना है जो खाना है पीना है जाकर। मौला का शुक्रिया। अब मदीना एक छोटी सी बस्ती थी ना, लोगों को पता चला कि अली ने बाग बेचा है, अली ने बाग बेचा है।
दौड़े दौड़े, अभी मौला इसको दरवाजे पे छोड़ने आए, लोग मौला के पीछे लग गए, कोई बच्चों को लेकर आया, कोई किसको लेकर आया, अभी इमाम ने वो दीनार देना शुरू किए, देना शुरू किए। जितने मौला ने बाग दीनार 24,000 दीनार चार दे दिए, 20,000 बचे, सारे दीनार मौला ने गरीबों में तकसीम कर दिए। जब मौला घर पहुंचते हैं, सैयदा पूछती है अली क्या हुआ, बाग बेचा है इमाम ने, कहा कितने में, मौला ने कहा 24,000 दीनार में, कहा फिर कितने घर के लिए आप लाए थे, इमाम ने फरमा एक दीनार भी घर लेकर नहीं आया। तो सैयदा फरमाते हैं आपको पता है घर में कुछ भी नहीं है, तो मौला फरमाते हैं कि हमने कब सीखा कि हम मायूस हों, अल्लाह की रहमत से कोई बंदा कभी मायूस नहीं, तो अली कभी मायूस नहीं हुए। और मौला अली सलाम जनाब सैयदा के जुमले फरमाते फरमाते हैं सैयदा जब मैं घर आना चाहता था तो फ़कीर इतने थे, मुझे अल्लाह से शर्म आ रही थी, उन फ़कीरों से हया आ रही थी कि अगर कोई मुझसे मांगे और मेरे पास हाथ में हो मैं उसको अता न करूँ। ये ईमान है जान मोहतरम, ये ईमान है कि इंसान इस तरह ईमान रखे, बंदगान खुदा की इस तरह मदद भी करें। यानी जब इंसान कातियत से दुआ करता है ना, यानी अल्लाह पर यकीन रख के दुआ करता है, तो फिर परवरदिगार आलम उसको अता भी करता है। इस पूरे वाक्य से अगर तुम्हें सीख लेनी हो ना, तो यही सीख निकल के आता है कि अगर तुमसे कोई कुछ मांगता है ना तो उसे दे देना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, अगर लाइक तुम्हारी उतनी औकात है, तुम्हारे हाथ में उस वक्त है, और अगर सामने वाला तुमसे मांग रहा है तो उसे दे देना चाहिए। तुम्हें खुद की फ़िक्र ना करते हुए सामने वाले की फ़िक्र करनी चाहिए, सामने वाले को मायूस नहीं रहने देना है। लाइक वो जो मांग रहा है उसे दे देना है अगर तुम्हारे पास है, ये कंडीशन अगर तुम्हारे पास है तो उसे दे देना चाहिए। इस तरह से इस पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करा गया है। एक चीज़ मुझे बता देना, मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या बेचा, क्या सेल करा था हज़रत सलमान को बोल के? रसूल खुदा ने कुछ दिया था मौला अली अलैहिस्सलाम को, बाघ की बात करी जा रही थी, मुझे ये नहीं समझा, मुझे बताना उन्होंने क्या सेल करा तब जाके उनको 24,000 दिनार मिले, उसके बाद उन्होंने उस फ़कीर को दिया, उसके बाद जब वो घर लौट रहे थे तो उनको और फ़कीर मिल गए, एक फ़कीर पहले मिला उसके बाद उनको और फ़कीर मिल गए, तो 24,000 दिनार उन्होंने पूरे फ़कीर में बांट दिया लिटरली। उसके बाद जब वो घर आते हैं तो बीवी फातिमा ज़रा सलाम अलैहा उनसे पूछती है कि आपने लाइक मैंने सुना है कि आपने बाग को बेच दिया, तो हाँ वो कहते हैं मैंने बेच दिया 24,000 दिनार में, तो कहाँ है दिनार, क्या आप घर कितने लेकर आए हो? तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं एक भी दिनार घर लेके नहीं आया हूँ। तो बी फातिमा ज़रा सलाम अलैहा कहती है कि फिर आपको तो पता था कि हमारे घर की हालत किस तरह से है, कितनी लाइक अभी ख़राब चल रही घर की हालत, तो फिर आपने क्यों नहीं एक भी दिनार लेके आए? तो वो कहते हैं कि जब मैंने एक फ़कीर को दिनार दिया, उसके बाद जब मैं घर लौट रहा था तो मुझे और भी फ़कीर मिल गए, तो मैंने वो दिनार सभी फ़कीर में बांट दिया, क्योंकि मुझे शर्म आ रहा था, वो सारे फ़कीर अल्लाह से मांग रहे थे एंड उस वक्त मेरे पास था मेरे हाथ में, इसलिए मैंने बेच के उन फ़कीर को दे दिया। अल्लाह का लाइक एक बंदा बनके उनकी लाइक चाहतें पूरी कर दी मैंने, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह से बनना है, इस तरह से ये सीख था, बहुत अच्छा ये लाइक वीडियो था, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है सैयद आरिफ हुसैन साह काजमी ने। ऊपर से मौला अली अलैहिस्सलाम को भैया दिनार की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, वो तो खुद ही शेर खुदा है यार, मौला अली अलैहिस्सलाम तो शेर खुदा है, उनके बच्चे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत सिंपल सी बात है, उनके लाइक भाई कह लो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी वाइफ कह लो बी फातिमा ज़रा सलाम अलैहा, लाइक ये अहले बैत की फैमिली है, इनको दिनार की ज़रूरत नहीं, ये बहुत स्पेशल फैमिली है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, लाइक ये पूरी कायनात ही तो है, ये पूरी कायनात है, इनकी फैमिली पूरी कायनात है, इनके ही खातिर ये पूरी कायनात बनी है, बहुत सिंपल सी बात है, तो इनको दिनार की क्या ज़रूरत है, ये तो लाइक देने वाले हैं, ये लेने वाले नहीं है, कि देते हैं, ये सिर्फ लाइक सामने वाले जो गरीब लोग हैं उनको देते हैं कि भैया हम जो है लाइक आप सबके लिए है, हम आप सबको लाइक देने के लिए, आप सबकी हेल्प करने के लिए है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो या दैट्स इट, आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, योर अली मदद, लबाइक।